वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली है। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। बजट के बीच उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा, यह बजट एनडीए सरकार का पहला बजट है, मोदी सरकार का पहला नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना प्रभाव डालेंगे। अगर अच्छा बजट होगा तो हम स्वागत करेंगे। इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और जीएसटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली है। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। बजट के बीच उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा, यह बजट एनडीए सरकार का पहला बजट है, मोदी सरकार का पहला नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना प्रभाव डालेंगे। अगर अच्छा बजट होगा तो हम स्वागत करेंगे। इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और जीएसटी है।